तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ड्रोन उड़ाते कैसे हैं। तो ड्रोन का अनबॉक्सिंग तो हमने आपको दिखाई दिया था और अभी हम लोग अरायल साइड आ चुके हैं। हमें ज्वाइन किया है मृदुल भाई ने और कैमरे के पीछे रीशु और अनूप, तो उनको बाद में दिखाते हैं। फिलहाल आज का मेन फोकस है हमारा ड्रोन। तो जो हमने ड्रोन लिया था तो हमें ये ड्रोन का बैग मिला था, जैसा कि आप देख सकते हो। बैग पर फोकस करना, ठीक है। तो ये ड्रोन का बैग है, इसमें क्या क्या सारी चीज़ें मिलने वाली हैं आइए दिखाते हैं। तो भैया ये है अपना ड्रोन का बैग। अगर इसको आप अलग से लेने जाओगे तो 4,000-5,000 का सिर्फ ये बैग ही मिलता है। तो थोड़ा सा फोकस करना बैग की तरफ, इसमें क्या सारी चीज़ें मिल रही है वो दिखाते हैं। तो इसमें आपको मिलने वाला है, अनबॉक्सिंग में खैर आपने देखा था, देखिए सबसे पहले ये RC रिमोट मिला है। तो इस RC रिमोट से हम अपने ड्रोन को कंट्रोल करते हैं। वैसे एक रिमोट आता है जिसमें आप फ़ोन लगा के ड्रोन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसमें आपका फ़ोन बिजी रहता है। लेकिन इसमें RC रिमोट डेडिकेटेड दिया हुआ है, आपको अपने फ़ोन को बिजी रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हो। तो ये एक RC रिमोट है। इसके पीछे दो जॉयस्टिक दी हुई हैं, देखो इसके पीछे दो जॉयस्टिक दी है। इसको ऐसे निकाल के इसमें लगाते हैं, ये देखो ये ऐसे लग गया, ये फंसा रहता है पीछे, तो इसको इसमें लगाते हैं ना। और इसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है क्योंकि गिरता बहुत तेजी से भाई, एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। तो इसी को सिक्योर करके रखना होता है, पीछे फंसाना रहता है, आप लोग को देखना रहता है कि भाई ये लगा है कि नहीं। अगर ये खो गया तो गए। ये हो गया आपका RC रिमोट, चलाना पड़ेगा। और फिर ये है आपका मेन ड्रोन, ठीक है। ये आपका ड्रोन है, इसको ओपन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये कवर हटाना है, लेंस कवर। तो ये देखिए लेंस कवर हटेगा, ये आपका लेंस कवर हट गया। और ये आपका गिम्बल जो है उसको स्टेबल रखने के लिए बस एक ये गत्ता दिया हुआ है, फोम दिया हुआ है। तो ये लगता है ताकि जो इसका गिम्बल है थोड़ा क्लोज लाना, ये बहुत कैलिब्रेट में प्रॉब्लम ना आए, ये एकदम स्टेबल रहे, इसलिए ये गिम्बल के पीछे ये गत्ता लगता है और एक लेंस कवर लगता है। और बाकी इसको ओपन करने का तरीका है, जो ऊपर के फ्लैप्स हैं इसको ऐसे राइट साइड में करके ओपन करो और इसको लेफ्ट साइड में, और ये जो पीछे वाला है इसको नीचे की तरफ करना है और इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो ये आपका ड्रोन है और ये आपका RC है। और एक्स्ट्रा इसके साथ दो बैटरीज मिलती हैं, मतलब एक बैटरी इसमें जो लगी रहती है, जो स्टार्टिंग में आप बैटरी स्टार्टिंग में जब आप लोग ड्रोन लेते हो तो इसमें एक जो बैटरी लगी रहती है उसका बैकअप 30 मिनट का होता है, और ये एक्स्ट्रा दो बैटरीज जो मिलती हैं उनका बैकअप 40 मिनट का होता है। तो ये तो हो गई बैटरी की बात, अब बैटरी लगती कैसी है वो आपको आइए बताते हैं। भाई स्ट्रगल ये है कि यहाँ पे जहाँ हम लोग वीडियो शूट करने आए हैं यहाँ पे कोई जानवर मरा है और बहुत तेज महक आ रही है, कर रहा है, तो महक भी उसको ले रहे हैं। महक क्या बदबू है, बदबू है बे, और ये सारी चीजें बता भी रहे हैं। तो भाई इस बात को तो लाइक जरूर करना। इसकी बैटरी दिखाते हैं आपको कि कैसे रिमूव होती है। ये देखिए ये दोनों साइड में थोड़ा सा ये पुश होगा, बस इसको हल्का सा दबाना है और थोड़ा सा खींचना है, तो ये आपकी बैटरी निकल जाएगी। लाइक जैसे गन में मैगजीन आप लोड करते हो अनलोड करते हो वैसे ही। और इसको लगाने का तरीका भी सिंपल है, ये देखिए ये वाला पार्ट पीछे रहेगा और ये या ये बैटरी लगाने और निकालने का तरीका है, बाकी की बैटरीज भी ऐसे ही लगेंगी। अब सबसे पहले आपको अपने ड्रोन को ओपन करना है, लेंस कवर हटाना है, गिम्बल का जो वो है उसको हटाना है। अब सबसे पहले इसको एक बार क्लिक करना है इस बटन को, फिर लॉन्ग प्रेस करना है, एक बार क्लिक और एक बार होल्ड, तो ये आपका ड्रोन ऑन हो गया, ठीक है। अब सेम काम हमें RC के साथ करना है, एक बार होल्ड और एक बार प्रेस, मतलब एक बार प्रेस एक बार होल्ड, तो ये आपका एक्टिव हो जाएगा। तो आपका ये RC भी ऑन हो गया, ये ड्रोन भी ऑन हो गया। अब ये दोनों अपने आप ऑटो कनेक्ट हो जाएंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ स्टार्टिंग में जब आप ड्रोन बाई करोगे तो वो लोग कुछ ID पासवर्ड आपसे करवाएंगे, मतलब वो सारा काम वही करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ड्रोन ऑन हो गया, RC रिमोट ऑन हो गया, इसको उड़ा के दिखाते हैं कि इसको उड़ाते कैसे। तो भैया अब हमारा RC भी कनेक्ट हो चुका है और ड्रोन भी कनेक्ट हो चुका है। RC जब कनेक्ट होगा तो देखिए इसमें ऊपर लेके आएगा टेक ऑफ परमिटेड। RC का आपको देख लेना है कि सिग्नल पूरा आ रहा है कि नहीं, RC का पूरा सिग्नल आ रहा है। जब दूर जाता जाएगा ड्रोन आपके RC से तो ये कभी वीक होगा, येलो हो जाएगा, और जब रेड हो जाएगा तब तो आपको अपने ड्रोन को बुला लेना है किसी भी हाल में। और सिग्नल आपको देख लेना है, ये सैटेलाइट्स हैं, 32 सैटेलाइट्स हैं, कम से कम 25 सैटेलाइट्स तो होने ही चाहिए। और बाकी यहाँ से आप इसको पोर्ट्रेट कर सकते हो, यहाँ से लैंडस्केप कर सकते हो। DJI Mini 3 Pro की खास बात यह है कि इसमें आप पोर्ट्रेट में भी रिकॉर्ड कर सकते हो वीडियो और लैंडस्केप में भी, मतलब YouTube के लिए भी रिकॉर्ड कर सकते हो, Instagram के लिए, और बाकी यहाँ से आपका वीडियो रिकॉर्ड होगा और यहाँ से इसको बंद कर सकते हो। ये आपका वीडियो हो जाएगा, यहाँ से फोटोज भी क्लिक हो जाएंगी, फोटो का भी ऑप्शन है, मास्टर शॉट, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको बेसिक चीज़ें बताते हैं कि ड्रोन उड़ाना कैसा है। हमारा ड्रोन कनेक्ट हो चुका है, RC कनेक्ट हो चुका है, अब इसको उड़ाते हैं।
तो यहाँ पे आप देखो एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, बस इस पर क्लिक करना है, फिर आ जाएगा टेक ऑफ का ऑप्शन, इसको लॉन्ग प्रेस करके छोड़ देना है। ये देखो भाई ड्रोन अपना हवा में जा चुका है। अब इसके बाद राइट साइड और लेफ्ट साइड में जॉयस्टिक है, इस लेफ्ट वाली जॉयस्टिक से अगर इसको हम ऊपर करेंगे तो ड्रोन ऊपर जाएगा, ठीक है। इसको नीचे करेंगे, इसको नीचे करेंगे तो ड्रोन नीचे आएगा, ठीक है। और इसको अगर हम लोग राइट साइड में करेंगे तो ड्रोन क्लॉकवाइज घूमेगा, इसको लेफ्ट साइड में करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो ड्रोन की आवाज़ आपको नहीं आएगी, तो मेरी वॉइस क्लियरली आएगी, ठीक है। ठीक है, अब इधर फोकस करना। ड्रोन अपना ऊपर जा चुका है, तो लेफ्ट साइड की जॉयस्टिक को ऊपर करने पे ड्रोन ऊपर जाएगा, नीचे करने पे ड्रोन नीचे आएगा, राइट करने पे ड्रोन अपनी जगह पे 360 डिग्री घूमेगा क्लॉकवाइज, और लेफ्ट करने पे एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री घूमेगा। तो ये हो गया लेफ्ट जॉयस्टिक का काम। अब राइट जॉयस्टिक से क्या होगा कि जहाँ पे ड्रोन है, थोड़ा सा नीचे बुलाता हूँ, आवड़ा, ये देखो ये ड्रोन अपना है ना, इसको जब आगे करेंगे तो ड्रोन आगे जाएगा, ये देखो ये आगे किया, ड्रोन आगे जा रहा है ना। अब इसको पीछे करेंगे तो ड्रोन पीछे आएगा, इसको राइट करेंगे तो राइट जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट आएगा, सिंपल सा हिसाब। फिर ऊपर भेजते हैं, तो राइट जॉयस्टिक का काम क्या है, आगे करने पे ड्रोन आगे जाएगा, पीछे डायरेक्शंस के पीछे आएगा, राइट करने पे राइट जाएगा, लेफ्ट करने पे लेफ्ट जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। बाकी ये देखो यहाँ पे आपको बटन मिल रही है फोटो खींचने के लिए भी, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो इससे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बाकी स्क्रीन पे टच करके भी ये सारा कुछ काम कर सकते हो। पीछे ये आपको दो बटन दिए हुए हैं, मतलब इसको ऐसे मूव करने का, जैसे माउस नहीं होता है तो माउस के बीच वाला जो बटन होता है, जो इसको मूव करने के लिए, जो मूव करने के लिए होता है, तो ये मिला है, इसको आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो इसका काम क्या होता है, गिम्बल को स्टेबल करना, जो गिम्बल है ना उसको आप इससे ऊपर नीचे कर सकते हो, मतलब गिम्बल अपने एक्सिस से ऊपर देख सकता है, ये देखो ऊपर देख रहा है और ये नीचे देख रहा है। इसको आपको दिखाता हूँ इसका काम क्या है। इधर आओ, गिम्बल के पास आओ, इधर आओ, गिम्बल को ही दिखाना। हाँ, तो देखो इसका काम क्या है, जो ये है लेफ्ट साइड वाला, इससे ये जो गिम्बल है ये ऊपर होगा, नीचे होगा, और ये देखो ऊपर हो रहा है ना, ये देखो ठीक। और दूसरे वाले का काम मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, उसका काम पता नहीं क्या है, वो देखना पड़ेगा। अभी मैंने ज़्यादा जितना, मतलब जो मेरे काम की चीज़ें हैं उतना कर लिया है, फिलहाल इसको ऊपर भेजते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं ड्रोन में, जो आप स्टार्टिंग में जब आप लोग ड्रोन लो तो आपको आनी चाहिए। अब ऊपर नीचे करना आ गया ड्रोन, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज करने आ गया, राइट साइड लेफ्ट साइड आगे पीछे करने आ गया, मतलब कोई भी एक बच्चा चला सकता है। गिम्बल, गिम्बल जो है वो ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, अपने एक्सिस में मूव करेगा, और इसके बाद आप ड्रोन उड़ाने के लिए तैयार हो। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस हैं, दोनों जॉयस्टिक को एक साथ हैंडल करना, तो वो सारी चीज़ें तो जब आप लोग ड्रोन प्रैक्टिस करोगे तब आपको आएंगी। मतलब इसमें ऐसे ऐसे शॉट्स हैं, आपको दिखाता हूँ कि ये देखो, जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट है, तो दोस्तों अब हम सब्जेक्ट बन चुके हैं, ड्रोन हमारे पीछे है, ड्रोन दिखाना, वो देखो जस्ट पीछे हमारे ड्रोन है और अब हम सब्जेक्ट बन चुके हैं। तो ये देखो इसमें आप देख सकते हो, इसमें आपको पूरा कैमरा दिख रहा है। तो अब इस ड्रोन को अपने चारों तरफ राउंड लगवाना है, ये सारी प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, इससे हम बता नहीं सकते आपको। तो अब इन दोनों जॉयस्टिक को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, वो कैसे होगा, आप इसे मैन्युअली भी कर सकते हो, बाकी इसमें ऑप्शन भी है कि हम खुद को सेलेक्ट कर लेते हैं तो ड्रोन हमको फोकस करते हुए हमारे चारों तरफ घूमेगा। वो सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन 4K 30 FPS पे आता है, लेकिन 4K 60 FPS पे अगर आपको शूट करना है तो मैन्युअली करना पड़ेगा। तो जैसे हमें ये अब हमारे चारों तरफ राउंड करेगा, देखना, तो इसको करने के लिए इससे राइट होता है और इससे क्या होता है, वो 360 डिग्री अपने एंगल में करता है, मतलब दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। तो ये दोनों ऐसे कुछ होगा, और ये देखो हमारे चारों तरफ घूमना इसने स्टार्ट कर दिया है, ये देखो रीशु देखो हमें शूट कर रहा है और आपको दोनों वीडियो दिखा दे रही है। ये देखो हमारे चारों तरफ राउंड लगा रहा है और इस पर देखो कैसा शॉट आ रहा है इस पर, ये देखो ये कुछ ऐसा आएगा, इसमें ग्रिड्स भी दिए हुए हैं ना। तो ये आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, इसको करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 20 तरह के शॉट्स होते हैं, रॉकेट शॉट, इसमें आप ये कर सकते हो कि ड्रोन को, मतलब ड्रोन आपका है हमें देख रहा है, अब इसको पहले एंटी क्लॉकवाइज कर देता है ना, अब सामने है नैनी ब्रिज,
जैसे ये देखो नैनी ब्रिज है, ठीक है। अब थोड़ा सा ड्रोन को ऊपर लेके गए हम और हमने घुमा दिया इसको ये नैनी ब्रिज की तरफ। देखो ये नैनी ब्रिज आ रहा है, नैनी ब्रिज आ रहा है। अब इसका हमें रॉकेट शॉट लेना है कि मतलब पीछे जाए ड्रोन और ऊपर जाए, तो इससे जाएगा पीछे और इससे जाएगा ऊपर, तो दोनों को साथ में दबाना है। ये देखो ये इसमें देखो रिमोट, इसमें देखो इसमें आरसी में, ये देखो पीछे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। तो ये सब कुछ शॉट्स हैं जिससे आप अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट्स ले सकते हो। ये सब तरीके जब आप ड्रोन चलाने लगोगे उसके बाद में आएंगे। तो बेसिक चीज़ों के लिए मैंने ये एक वीडियो बनाया था, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट्स में पूछ लेना। बाकी हाँ, ऐसे कुछ आप अगर ड्रोन लेते हो स्टार्टिंग में तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए ना। अब ड्रोन नीचे कैसे उतारना है, सबसे मेन चीज़ ये है। अब ये करते हैं भाई, बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे, किसी ने उतारना नहीं बताया, सबने आसमान में पहुंचा के दिखा तो दिया कि आसमान में ये होता है वो होता है, लेकिन उतारना कैसे है? ड्रोन सिर्फ आसमान में ही रहेगा क्या पूरे टाइम? तो इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं और इसमें एक ऑप्शन रहता है रिटर्न टू होम का, लैंड और रिटर्न टू होम। तो लैंड में क्या होगा कि वो अपनी जगह पे लैंड कर जाएगा, रिटर्न टू होम पे जहां से हमने ड्रोन उड़ाया है वहां पे आ जाएगा, वो पॉइंट अपडेट हो जाता है और अपने आप वो आके लैंड कर जाएगा। एक तो ये सिंपल सा ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये सब इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ करना, क्योंकि कभी कभार तार और भी नहीं देखता, तार वगैरह इसका सेंसर डिटेक्ट नहीं कर पाता। सेंसर की बात भी अभी आपको बताएंगे, फिलहाल ड्रोन को नीचे उतारने के लिए आपको मैन्युअली लेके आना पड़ेगा। तो देखो ड्रोन का मुंह हमारी तरफ है, ड्रोन हमें देख रहा है, तो ये तुम अगर इधर देखो आरसी रिमोट, देखो आरसी रिमोट, अब ये तुम अगर आगे करोगे तो ड्रोन हमारी तरफ आएगा क्योंकि मुंह हमारी तरफ है। तो ये ड्रोन का मुंह जिस तरफ है उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ये सेट होता है। तो इसको हम आगे करेंगे तो ड्रोन देखो हमारे सामने आ रहा है, वो देखो ड्रोन आ रहा है ना, ये हमारे सर की सीट पे आ चुका है। इसमें आप डिस्टेंस भी देख सकते हो, डिस्टेंस 12 मीटर मतलब हमारे सर की सीट पे आ चुका है। अब इसको यहाँ से नीचे उतार लेंगे। देखो ये मैन्युअली हमने नीचे उतार लिया ड्रोन को, ठीक है, ये ड्रोन नीचे आ रहा है, ये थोड़ा आगे किया और ये नीचे आ गया, ठीक है। अब ये ड्रोन आपके पास आपको ऐसे ही मैन्युअली बुला लेना है, ये आपको जब आपका हाथ सेट हो जाएगा तो अपने आप हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। और ये देखो भाई ड्रोन अपने सर के ऊपर आ गया है ना। अब इसको उतारने का तरीका क्या है कि इसमें सेंसर्स होते हैं, इसमें 6 सेंसर्स हैं, 2 नीचे 2 ऊपर, मतलब 2 आगे 2 नीचे और 2 पीछे। पीछे कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सेंसर इसका जो है लड़ेगा नहीं, वो सेंसर डिटेक्ट कर लेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो रुक जाएगा। सामने भी कुछ आता है तो ऐसा होगा, नीचे भी कुछ आता है तो ऐसा होगा, लेकिन साइड से अगर कुछ आता है तो कुछ नहीं होगा। जैसे पेड़ पौधे मंझा वायर, चिड़िया में भी बड़ी चिड़िया जो होती है जैसे चील गिद्धबाज, इनसे बचाना होता है। बाकी कौवे वगैरह से उतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो लोग इसके पंख को ही देख के डर जाते हैं और दूर हट जाते हैं। तो अब इसको नीचे उतारने के लिए आप अपने सर पे आ गया ड्रोन, अब बस आपको नीचे जो करने वाला जो जिससे जो लेफ्ट जॉयस्टिक जिससे नीचे होता है उसको क्लिक करना है। उसको नीचे कर लेंगे तो ड्रोन आ जाएगा आपके पास। अब इसका जो सेंसर है वो अब काम करेगा, जब आप इसको नीचे क्लिक करोगे तो अपना हाथ लगाओगे ड्रोन रुक जाएगा, देखो ड्रोन रुक गया। अब बस इसे नीचे आपको दबाए रखना है, ड्रोन अपने आप आ जाएगा आपके हाथ में, अपने आप अपने आपके हाथ में आके और ये अपने आप ही रुक जाएगा। तो इस प्रकार आप ड्रोन को उड़ा भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं, और बंद करने के लिए सेम वही करना है, एक बार क्लिक करके दोबारा दबा दो, होल्ड कर दो, ये आपका ड्रोन बंद हो गया। सेम प्रोसेस इसको भी आरसी जैसे ऑन किया था वैसे बंद कर देना है, तो आपका आरसी भी बंद हो गया, ड्रोन भी बंद हो गया। और इस प्रकार हमने अपने ड्रोन को उड़ा भी लिया, उतार भी लिया, कुछ शॉट भी सिखा दिया, आगे पीछे दाएं बाएं सारी चीज़ें बता दी हैं। और फिलहाल अब इसको जैसे निकाला था वैसे बंद करके रख देना है बैग में, दैट्स इट। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट धमाकेदार ब्लॉग में। इस ब्लॉग में मैं कुछ और एक्स्ट्रा नहीं रखना चाहता हूं, कुछ सजेशंस हो तो भी आप दे सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग ड्रोन ऑलरेडी चलाते हो तो कुछ हमें सिखा भी सकते हो, लेकिन हमने अभी जितना 7-8-10 दिनों में सीखा है वो आपको बता दिया। मुझे लगता है कि चीज़ें जो है नॉलेज का स्प्रेड होना बड़ा ज़रूरी है। और कट तो नहीं रहा हम लोग का सर, अंधेरा तो नहीं आ रहा है, ठीक है, चलो टाइम रहते हैं। हमने 1-2 टेक में सारा प्रॉपरली शूट कर लिया है, ड्रोन बंद करते हैं, रखते हैं, मिलते हैं गाइस जल्दी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सब बखैर, बाय। बाकी हाँ, इसमें चार्ज क्या करना होता है, चार्ज करने के लिए आपको ड्रोन चार्ज करना रहता है, ड्रोन की बैटरी चार्ज होती है, बैटरी निकलती है और जो केस मिलता है ड्रोन बैटरी का, इसमें बैटरी आपको फिक्स कर देनी है तीनों। और इसमें साइड में ये देखो, इससे भी चार्ज कर सकते हो, इससे भी चार्ज कर सकते हो, 2 USB इसमें मिलेंगे आपको, Type A to Type C, Type C to Type C, तो इससे आप इसको चार्ज कर सकते हो। आपको RC रिमोट भी चार्ज करना है, RC रिमोट मेरा चार्ज नहीं था लेकिन वीडियो कॉल मैंने बना दिया,
इसमें यहाँ से आप यहाँ पे अपना लगा के चार्ज कर सकते हो। अडाप्टर नहीं मिलता इसमें, बस दो केबल्स मिलता है। एक चीज और होता है इनकेस अगर आपका और बैटरी बस, इनकेस अगर आपका आरसी रिमोट अगर कम्प्लीट डिस्चार्ज हो गया तो ड्रोन ऑटोमेटिकली आपके पास वापस आ जाएगा। हाँ, बहुत सारी चीजें बहुत सेफ है, मतलब पहले के जो ड्रोन होते थे उसमें क्रैश और ये सारी चीजें दिक्कतें होती थी, लेकिन इसमें अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप भाई इंस्टाग्राम के लिए बना सकते हो, लैंडस्केप में भी ले सकते हो शॉट्स, सेफ भी है। हाँ देखो इतना सेफ भी नहीं है, लेकिन हाँ पहले के जो ड्रोन्स होते थे उससे काफी सेफ है। लाइट वेटेड है तो इसके लिए आपको ना लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, जो 250 ग्राम से कम के जो ड्रोन्स होते हैं उनके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। हाँ जहाँ पे परमिशन नहीं है वहाँ पे मत उड़ाओ, बाकी 250 ग्राम से कम वेट वाले ड्रोन के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। तो और भाई रिस्ट्रिक्टेड एरिया, आर्मी एरिया, ये सारी चीज़ों में ड्रोन बचिए। बाकी इंडिया में ड्रोन पे आपको कोई गारंटी कुछ नहीं मिलने वाली, बिकॉज ड्रोन का सिस्टम थोड़ा सा इंडिया में वो है बैन वाला है, बाहर से आता है, इलीगल नहीं है, लोग उड़ाते हैं, शादी विवाह में उड़ता ही है, लेकिन हाँ इसमें कोई गारंटी नहीं मिलती है। तो हाँ ये भी चीज़ें ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ। प्राइस 1,10,000 लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉग में सारी चीज़ें कवर कर देते हैं ताकि आपको कंप्लीट पैकेज वाला वीडियो मिल जाए। हाँ भैया मिलते हैं अगले ब्लॉग में। केदारनाथ की शॉपिंग करनी है, केदारनाथ की ट्रिप अपनी होने वाली है और बहुत मजा आएगा, बस 5-7-8 दिन। आज है 12 तारीख, आप जब लोग ब्लॉग देखोगे तो शायद 13-14 तारीख होगी, तो हाँ एक हफ्ते बचे अपनी ट्रिप, मेरे भी शॉपिंग यही कराने वाला है। बहुत मजा आएगा भाई। या हर हर महादेव, हर हर महादेव।